गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर फ्रॉम एक्सप्लोर मैथमेटिक्स बुक चैप्टर नंबर 5 डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन इज इक्वल ग्रुपिंग और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी हमें दी होती है उसको हम इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डिवीजन। डिवीजन इज अ इक्वल ग्रुप और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। और ये सब हमने प्रीवियस क्लास में किया था। डिविजर, डिविडेंड और क्वेश्चन क्या होता है? डिविजर क्या होता है? जिसका टेबल हम रीड करते हैं, डिविडेंड जहाँ तक रीड करते हैं, और जो आंसर आता है वो हमारा क्वेश्चन होता है। डिविजर, डिविडेंड, क्वेश्चन। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1, डू यू रिमेंबर। डू यू रिमेंबर मीन्स कि आप सभी को याद है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में किया है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्वेश्चन यूजिंग टेबल। क्वेश्चन फाइंड करना है, आंसर फाइंड करना है टेबल्स को यूज करके। डिवाइड नहीं करना, हमने टेबल रीड करके आंसर फाइंड करना है क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट है 72 डिवाइडेड बाय 8, इसे हम नोटबुक में करेंगे। तो अब हमने 8 का टेबल रीड करना है और उसमें देखना है 72 कहाँ पर आता है। तो 8 का टेबल रीड करेंगे। 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24, 8 फोर ज़ा 32, 8 फाइव ज़ा 40, 8 सिक्स ज़ा 48, 8 सेवन ज़ा 56, 8 एट ज़ा 64, 8 नाइन ज़ा 72। तो 8 के टेबल में 9 पर क्या आता है? 72। तो आंसर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन 9। आगे है 81 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 का टेबल रीड करेंगे और देखेंगे 81 कितने पे आता है। तो 9 नाइन ज़ा कितना होता है? 81। तो हम यहाँ लिख देंगे 9। तो हमारे क्वेश्चन आ गया 9। सी 28 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 का टेबल रीड करना है जहाँ तक 28 आएगा। तो 4 का टेबल रीड करते हैं। 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 फोर ज़ा 16, 4 फाइव ज़ा 20, 4 सिक्स ज़ा 24, 4 सेवन ज़ा 28। तो 4 के टेबल में 7 पर क्या आता है? 28। तो हमारा 7 क्या है? क्वेश्चन। डी 54 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 का टेबल रीड करेंगे और देखेंगे 54 कितने पे आता है। तो 6 नाइन ज़ा 54। तो 9 हमारा क्वेश्चन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वेश्चन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी हमने प्रीवियस क्लास में किया था। तो क्या करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में? सबसे पहले डिवाइड का सिंबल ये, तो अब हमने सेंटर में रख देना है। 396 डिवाइड किससे करना है? 4 से। ये हमारा क्या है? डिवीजर। और ये क्या है? डिविडेंड। और फाइंड क्या करेंगे? जो यहाँ आएगा वो होगा क्वेश्चन। तो 4 का टेबल रीड करेंगे तो सबसे पहले क्या ले देखेंगे? 1 प्लेस पर क्या है यहाँ पे? 3। तो 4 के टेबल में 3 तो आता ही नहीं, 4 वन ज़ा 4 होता है, तो 4 से छोटा है। तो हम यहाँ फर्स्ट 2 नंबर्स लेंगे, 39। अब 4 के टेबल में 39 देखना आता है कि नहीं। तो 4 का टेबल रीड करेंगे। 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 फोर ज़ा 16, 4 फाइव ज़ा 20, 4 सिक्स ज़ा 24, 4 सेवन ज़ा 28, 4 एट ज़ा 32, 4 नाइन ज़ा 36, 4 टेन ज़ा 40। तो 4 नाइन ज़ा 36, 39 से छोटा 36 है, नहीं तो इससे बड़ा आ जाएगा 40। तो हमें इससे, इस नंबर से छोटा चाहिए होता है नीचे, तो छोटा आया 36। कितने पे आया? 9 पर। 4 नाइन ज़ा 36। अब हम क्या करेंगे? माइनस का साइन लगाया तो माइनस, 9 में से 6 कट करेंगे तो कितना आएगा? 3। 3 में से 3 कट करेंगे, 0। अब यहाँ 3 रह गया तो ऊपर से हम नंबर ले लेंगे 6। अब हमने 4 के टाइम में 36 देखना है। अभी हमने रीड किया था तो 4 नाइन ज़ा 36 आया था, तो दोबारा से 9 ऊपर, 36 के नीचे 36, क्योंकि 4 नाइन ज़ा 36 होते हैं। माइनस कर देंगे, 6 में से 6 कट करेंगे, 0। 3 में से 3 कट करेंगे, 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया है? 99 हमारा क्वेश्चन है, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया। तो ये सम था लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें हमने क्वेश्चन फाइंड करना था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर बी, 796 डिवाइडेड बाय 6। ये भी लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो सबसे पहले 796 हम बीच में लिखेंगे, 6 हमारा डिवीजर है, हम लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो अब हमने 6 का टेबल रीड करना है। 6 के टेबल में क्या देखना है? 7। तो 6 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 वन ज़ा 6 होता है, 6 टू ज़ा 12 होता है। 12 बड़ा हो जाएगा तो छोटा क्या आएगा? 6 वन ज़ा 6,
सिक्स वन जा सिक्स, अब हम माइनस कर देंगे, सेवन में सिक्स कट किए वन, अब हम ऊपर से लेंगे नाइन, वन नाइन नाइनटीन देखना है हमने सिक्स के टेबल में, तो सिक्स का टेबल रीड करेंगे, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा एटीन, और सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, तो सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर बड़ा हो जाएगा, सिक्स थ्री जा एटीन छोटा आएगा, तो हमने छोटा लिखना होता है, सिक्स के टेन में थ्री पर क्या आया है एटीन, तो हमेशा इस वैल्यू से नंबर छोटा ही लिखते हैं ताकि हमें माइनस करने में मुश्किल ना हो। नाइन में से एट कट करेंगे वन, वन में से वन कट किया ज़ीरो, तो यहाँ पे वन आया तो सिक्स के टेन में वन तो आता नहीं, तो ऊपर जो नंबर है हम नीचे ले आएंगे सिक्स, अब सिक्स के टेबल में सिक्सटीन देखना है, तो सिक्स का टेबल रीड करेंगे दोबारा से, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा एटीन, एटीन हमारा बड़ा हो गया है, छोटा क्या था ट्वेल्व, सिक्स टू जा ट्वेल्व, अब हम कट करेंगे, सिक्स कट सिक्स में से टू कट किए फोर, वन में से वन कट किए ज़ीरो, तो ये आगे कोई नंबर नहीं है तो नीचे नहीं ला सकते, और फोर भी नहीं आता तो हमारा फोर क्या हो जाएगा रिमाइंडर, और ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जो नीचे वैल्यू रह जाती है वो हमारी रिमाइंडर होती है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, 743 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 हमारा टेबल होगा डिवीजर, और डिविडेंड क्या है 743, 3 का टेबल रीड करेंगे 7 तक देखेंगे, 7 कहाँ आता है, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9, तो 9 बड़ा हो गया, हमें चाहिए छोटा, दोबारा से 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 6 आया, 2 यहाँ पर, 3 टू जा 6, माइनस करेंगे, 7 में से 6 कट किए 1, और ऊपर से ले लेंगे हम 4, माइनस करके जो आता है उसके साथ हम ऊपर से एक वैल्यू ले लेते हैं, अगर हम 2 लेते हैं तो हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं, बट अभी हमें 1 की ज़रूरत है, 4 ही लिया है, ठीक है, तो अब 3 के टेबल में 14 रीड करना है, आता है कि नहीं, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9, 3 फोर जा 12, 3 फाइव जा 15, 15 तो बड़ा हो गया, अब 3 फोर जा क्या आया था 12, माइनस कर देंगे, 14 में से 12 कट करेंगे, 4 में से 2 कट किया 2, 1 में से 1 कट किए 0, तो अब हमारा 2 आ गया, ऊपर से हम ले लेंगे 3, 23, 3 के टेन में 23 देखना है अब हम, तो 3 के टेन में 23 नहीं आता, क्या आता उससे छोटा 21, तो लिख देंगे 21 कितने पे आता है 7 पे, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 हो जाएंगे, वो बड़ा हो जाता, हमने छोटे नंबर लिखना था इसलिए 3 7 जा 21 लिखा है, अब हम कट कर देंगे, 3 में से 1 कट किए 2, 2 में से 2 कट किए 0, अब जो 2 है वो हमारा रिमाइंडर है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं है कि हम नीचे लेकर आएँ और डिवाइड कंटिन्यू करें, तो जो नीचे रह जाता है लास्ट में वो हमारा रिमाइंडर, जो आंसर आता है वो हमारा क्वेश्चन। तो ये हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड की है, जिसमें आपने डी और ई अपने आप प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में किया हुआ, एक्सरसाइज 5 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 1 हमने डन की है। थैंक यू।